ये रहा दोस्तों इंदौर राव सर्कल, इधर चलना है, होगा वहां राइट चलना है और गाड़ी है आराम से। तो ये रहा दोस्तों मेरा सैडल बैग, टेल बैग, टैंक बैग और एक और बैग जो मेरे टॉप बॉक्स में जाने वाला है। हम मेरा हेलमेट पूरी तरह से रेडी, मेरे नी गार्ड्स और मेरे शूज़ और मेरी राइडिंग जैकेट भी यहीं कहीं है जिसे मैं पहनने वाला हूं और जाने वाला हूं मेरी पहली इंटरनेशनल राइड पर। तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बाइकर जस्सी सर। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई जसबीर सिंह सलूजा। स्वागत करता हूं आपका मेरे नए वीडियो में, मेरी नई सीरीज में जो कि है हमारी नेपाल राइड। जी हाँ दोस्तों, मैं आज 3 अप्रैल 2023 को शाम को करीब 6:30 बजे घर से निकलने वाला हूँ, जाने वाला हूँ नेपाल। मेरे साथ जा रहे हैं दो भाई और, अनिरुद्ध और हमारा हुकुम भाई, जिनसे मैं मिलाऊंगा आपको अभी थोड़ी देर में। तो दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है फार, क्योंकि जाने वाले हैं यहाँ से हम लोग बहुत फार, मतलब बहुत दूर। तो चलिए दोस्तों, सारा सामान करते हैं बाइक पर लोड, पहनते हैं राइडिंग बूट और राइडिंग जैकेट और रेडी होकर निकलते हैं नेपाल के लिए। निकलते दोस्तों, हमने कराया है हमारे हेलमेट में एक जुगाड़, सिंग लगा दिए हैं हमने और ये बहुत ही शानदार लग रहा है। तो दोस्तों ये रही हमारी बाइक जो पूरी तरह से हो चुकी है रेडी, सामान पूरा लोड हो चुका है। हमारे पंडित जी दुर्गेश भाई आए हैं सी ऑफ करने, सोडी भाई, तरन और हमारे बड़े वीर जी पप्पू भैया। तो बाइक पूरी तरह से लोड है दोस्तों, इतना ज़्यादा लगेज लेने की ज़रूरत होती नहीं, पर मुझे शायद आदत पड़ गई ज़्यादा लगेज की। तो इसमें तो मतलब इस बैग को पूरी तरह से टाला जा सकता था, पर ये भी रख ले, वो भी रख ले, वो भी रख ले, ये भी रख ले करके सब कर दिया है। तो दोस्तों पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं, अब निकलना है यहाँ से नेपाल के लिए। पहले जाएंगे अपनी राइडर्स वर्ल्ड शॉप पर, वहाँ अनिरुद्ध आ रहा है और यहाँ से 16 किलोमीटर दूर अंजड़ में हुकुम भाई मिलेगा। तो चलिए दोस्तों बाकी बातें करते हैं बाइक पर, क्योंकि जाना है बहुत दूर। तो चलते हैं, लेट्स गो बिना देर करें। इधर आओ, अरे भूल गया ना मैं, पहले बना फिर बना पूरा छोटे भाई, ये तो वहां आ रहा हूं। हां चलो आओ, कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, ये लो, कहां जा रहा है, ये लो, ये मैं पहले बिल भी नहीं, ये लो दे, अरे वापस आ रहा हूं मैं, चलो चलो मेरा ध्यान रखना, ठीक जैसे आता हूं मैं। बाय 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 बाबू बाबू, अरे बाय बाय मेरा बंदर, नींद में ही है पूरा वो। चलो ठीक है। तो फाइनली दोस्तों 7:04 पे राइड की शुरुआत, 3 घंटे लेट। चलिए फटाफट चल हमारी राइडर वर्ल्ड पर। हम लेट होंगे मुझे ये तो पता था दोस्तों, पर इतना लेट होंगे ये नहीं पता था। तो यहाँ है अनिरुद्ध, कितना लेट करता है तू रोज रोज, हर बार लेट करता है तू। खैर हमको बोलने का हक सिर्फ एक आदमी को, हुकुम को, वो बकायदा टाइम से तैयार होकर बैठा है बेचारा। हाँ उसके फोन खूब आ रहे हैं, आपने लेट किया, तूने लेट किया। चलिए दोस्तों थोड़ा सा काम है दुकान में, निपटाते हैं और फिर भागते हैं जल्दी से। तो फाइनली दोस्तों सभी दोस्तों यारों से मिलते हुए अब बड़वानी से बाहर हो रहे हैं अंजड़ में। हुकुम भाई हमारा वेट कर रहा है और काफ़ी गुस्से में, क्योंकि हम दोनों तो फिर भी क्या है, दोनों ही लेट थे थोड़ा सा आगे पीछे, पर वो बिल्कुल तयशुदा टाइम, मतलब हमने बोला था अंजड़ा मिनिमम कंडीशन 5 बजे तक आ जाएंगे, तो 5 बजे से बिल्कुल रेडी बैठा हुआ है। तो सॉरी हुकुम भाई, इसके बाद अब देर नहीं करूँगा कहीं भी। हाँ भाई, तो पेट्रोल शेट्रोल हो गया है फुल, ट्रिप कर दी है ज़ीरो और बड़वानी से हो चुके हैं रवाना। तो यहाँ है हमारा हुकुम भाई और बोल रही उसकी बाइक आगे, दर्शन कर लो चाय पी लो। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, लेट कर दिया तुमने, है नहीं लेट, इसको बहुत मारूंगा रास्ते में। हाँ ठीक है, तो चलिए दोस्तों चाय वाय पीते हैं और फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, ये सर अपना यूट्यूब चैनल है छोटा सा, उसमें अपन बनाते हैं वीडियो। अच्छा अच्छा, ऐसा है, तो ये क्या बन रहा है? बनता भी अभी जैसा अभी चालू है। हाँ, तो बन रहा है। हाँ अभी बन रहा है सर आपका। क्या शुभ नाम है सर आपका?
बलदेव सिंह। बलदेव सिंह जी, तो सर हमारे मिले हैं अंजड़ में और बहुत अच्छा लगा, सर ने पूछा कहाँ आ रहे हैं। सर को पहले लगा हम लोग बाहर से हैं ना सर, तो हम लोग यहीं बड़वानी के ही हैं सर और अब जा रहे हैं बाहर। जी जी सर। चलो मेरे को लगा कि यार बाहरी लोग जो है इधर आते हैं भारत में और बिल्कुल बिल्कुल हमको लगा कि बाहर के पर सही बात है कि आपको रोक के हमने पूछा। जी जी हमको लगा कि हमारे यहाँ के भी बंदे जो है बाहर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल जाते हैं ना सर और पूरे इंडिया घूमने के शौकीन। बिल्कुल सर, मैं अभी मालूम पड़ा आपको देख 2022 में लद्दाख भी होके आया सर मैं और अब 23 में नेपाल। क्या कहाँ जाने का है सर? अभी हम लोग कोशिश चाह रहे हैं कि आज रात और कल का दिन चल के लखनऊ जाके स्टे करेंगे। लखनऊ 950 किलोमीटर का रहेगा। अच्छा। हाँ भैया 950 है दादा यहाँ से, तो अगर ईश्वर ने और अपने शरीर ने साथ दिया तो वहीं दुखने का मन है, बाकी ऊपर वाले के ऊपर देखे कहाँ तक लेके जाते हैं वो, है ना? ठीक है सर, धन्यवाद सर। बिल्कुल ठीक ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू शुभकामनाओं के लिए, थैंक यू सर दादा। ठीक ठीक, तो इन्होंने हमें आवाज़ लगा के बुलाया, हमारी बाइक इस तरफ थी, मुझे लगा कि एग्जॉस्ट के लिए चालान फटने वाला है पर हम बच गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ, अच्छे लोग थे। उन्होंने पूछा कहाँ से आ रहे हो कहाँ जा रहे हो, बस इतनी सी बात थी। अरे कहीं नहीं जा रहे, मैं तेरा घर रुका था देखने, देखो पर तू दिखी नहीं। नेपाल चलना है? हाँ तू कहाँ थी? घूमने के लिए आई थी। मैं तेरे घर रुका, मैं झाका पर तो देखी नहीं। इन्होंने क्यों रोका? कहीं नहीं पूछ रहे कहाँ आ रहे हो कहाँ जा रहे हो, बस और क्या, सब अपने ही लोग हैं, ऐसा नहीं है। चल चलो हैप्पी, चल बे राजा चल, तू बोलते है हमेशा, चल नेक्स्ट टाइम पक्का। तो चाय वाय पी के दोस्तों बाबा के दर्शन करके, हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पे, और सब लोगों की शुभकामनाएं लेके अब निकल रहे हैं अपनी मंजिल की ओर। ठीक है सर, गुड नाइट, थैंक यू। हालांकि मैंने एग्जॉस्ट लगाया दोस्तों पर डीवी किलर लगा है, इसलिए चालान का कोई इश्यू नहीं होता, आप भी हनुमान जी का दर्शन कर लीजिए। जय हनुमान, आई थिंक जय बजरंगबली बोलना ज़्यादा अच्छी होता है। तो दोस्तों हमारी राइड अब हो चुकी है शुरू, हमारी टीम हो चुकी है पूरी, वहाँ पे थोड़ी सी जल्दीबाजी में थे हम लोग और वो हमारे पुलिस वाले भाई लोग, हमारे बड़े भाई लोग मिल गए थे, तो मैं हुकुम भाई की बाइक आप लोगों को ठीक से दिखा नहीं पाया। मेरे आगे अभी हुकुम भाई चल रहा है जिसकी बाइक में टॉप बॉक्स पेनियर, मतलब फुल्ली लोडेड बाइक है, अभी तो प्रॉपर देख नहीं पाएंगे, जब कहीं रुकेंगे तो आप लोगों को दिखाऊँगा मैं। और ये जो शैतानी अनिरुद्ध के दिमाग में आई है वो मैंने पढ़ ली है। ये लीजिए। चलिए दोस्तों चलते हैं हाईवे पर और मचाते हैं धूम। तो दोस्तों अभी है हम लोग नेशनल हाईवे नंबर 3 पर, तो अभी सबसे आगे चल रहा है अनिरुद्ध, फिर भाई हुकुम और फिर आपका भाई जस्सी। तो नाइट राइड का अपना फायदा है और अपना नुकसान, फायदा यह है कि बहुत जल्दी जल्दी रास्ता कवर कर पाते हैं और उसका कारण यही है कि कुछ भी दिखता तो है नहीं जिसको देखकर फोटो खींचने का मन करे, दिखाने का मन करे, निहारने का मन करे, बस बाइक होती है, रोड होती है और राइडर होते हैं। खैर अभी हम लोग घर से चला चुके हैं 102 किलोमीटर और वैष्णो देवी रेस्टोरेंट पर रुकेंगे हम लोग, चाय वाय पियेंगे। हम लोगों ने अंजड़ में चाय पी थी पर वो आजकल पता नहीं क्या हो गया, 5 रुपए की चाय मतलब ऐसा लगता है कि तो चक ये चख लो भैया, फिर अच्छी लगे तो 20 रुपए देना आपको चाय देंगे। तो यहाँ पर चाय पियेंगे और लगा तो कुछ खाएंगे भी, देखते हैं। और चलो आपको भाई की बाइक दिखाता हूँ मैं, तो ये है हुकुम भाई की बाइक और ये है उसके कस्टम पहनिया, शानदार। तो अभी दोस्तों मानपुर से निकल चुके हैं, इंदौर की तरफ जा रहे हैं और ये हम इंदौर पहुंच गए। तो ये रहा दोस्तों इंदौर राव सर्कल, इधर चलना है होगा, हाँ राइट चलना है, ओ गाड़ी आराम से चल चल निकल गया, ऐसा मत किया कर यार, वी आर राइडर, थोड़ा ध्यान से रखा करो। तो अभी हम लोग राव सर्कल पर दोस्तों और बाईपास की तरफ मुड़ गए, अनिरुद्ध चला गया है इंदौर के अंदर क्योंकि उसे उसकी मेडिसिन लेना है, और हमारे IBC वाले कुछ भाई शायद एक या दो आई डोंट नो कितने, पर विनोद भाई और कोई हो सकता है,
वो लोग हमारा वेट कर रहे हैं। विनोद भाई मुझे लोकेशन सेंड कर रहे हैं, यहीं बाईपास पर ही हम लोग मिलेंगे। अभी शायद ये बाइक्स खड़ी हैं, यही हैं। हाँ ये रहे भाई लोग। क्या हाल है? बस यार निकल पड़े, फाइनली मूड बना गया। कैसा है पहलवान भैया? तो दोस्तों पहुंच चुके हैं इंदौर, मतलब इंदौर बाईपास पर हम लोग और हमारे आईबीसी वाले बड़े भाई लोग हमसे मिलने आए हैं। मतलब मैंने मैसेज डाल दिया था कि यार आप लोगों का आशीर्वाद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, भाई लोग अपना स्पेशल टाइम देकर। भाई को पहले भी आप देख चुके हैं और अपना नाम बता दीजिए। विनोद लिखित कर आईबीसी। हितेश आहूजा आईबीसी। शिव कुमार सोनी फ्रॉम आईबीसी। क्षितेश सर। तो चारों भाई और वो मऊ राइडर्स से भी है ये मतलब सबका साझा है, किसी का भाई का ऐसा सब पर अधिकार है और सबका भाई पर अधिकार है। तो भाई ऐसा है यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अनिरुद्ध क्या है जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, अंदर इंदौर में उसको लगेगा 15-20 मिनट, तब तक हम लोग यहीं पर हैं। थैंक यू बॉस टाइम देने के लिए आप सबका, इतने शॉर्ट नोटिस में भाई लोग आए। वो एक रख लिया निकाल के, वो फेविकिक मिले ही चिपका दूंगा वो गिर जाए उससे अच्छा। ओके भाई थैंक यू। तो दोस्तों बहुत शॉर्ट नोटिस पर मतलब मैंने मैसेज डाला और भाई लोग आ गए थे। मतलब ऐसी बाइकिंग ब्रदरहुड जब देखने मिलती है ना तो और ज़्यादा चौड़े हो जाते हैं। खैर घर से निकले हो चुके हैं हमें तकरीबन 4.5 घंटे, अंजड़ में रुके फिर चाय पी सब कुछ मिला के 3.5 घंटे में हम लोग आ गए थे। अब इंदौर बाईपास पर हैं और अब रुकने का बहुत कम काम है। मैं भी शायद हम लोग कम से कम 200 किलोमीटर प्लस चल कर ही अब ब्रेक लेंगे। चलिए तो अब लगाते हैं पंप पे और डलवाते हैं पेट्रोल, देखें किसकी गाड़ी कितना एवरेज दे रही है। तो अनिरुद्ध की गाड़ी में आया 1050 का, हमारी गाड़ी में आया है 1000 का। बेटा डंडे तेरे, डंडे को क्या करना है, डंडे को भैया 1000 रुपये हमारे आप लीजिए। आधे घंटे से मेरा माथा खा रहा है, 2 डंडे मेरे, 3 डंडे, क्या डंडे, क्या डंडे, डंडे डंडे डंडे। तो हुकुम भाई की बाइक में भी 1000 का फ्यूल आ गया है। मतलब हुकुम भाई तो अंजड़ से फुल करा के चले थे ना? नहीं, पड़वानी से। अच्छा हाँ तो फिर ठीक है। बाइक से तो उतर जा। तो अभी चल रहे हैं पराठे, सब्जी, आलू की सेव और ये क्या है मिर्चर। अनिरुद्ध की मम्मी ने बना के दिया है तो मम्मी जी आंटी जी थैंक यू सो मच। ये पानी की प्योर है ना? हाँ प्योर है। कुछ मिलाया तो नहीं? नहीं कुछ भी नहीं। गौर से देखिए इस दरिंदे को, हम दोनों भाई पिछले 5 मिनट से रेडी खड़े हैं और ये सिंगर रहा है। भाई टाइम इज मनी। दोस्तों साईनाथ रेस्टोरेंट से थोड़े से पराठे और लगभग 2-2 चाय पी के हम लोग अब निकल रहे हैं और यहाँ पर मिला है हमारा एक छोटा भाई। ठीक है छोटू, क्या नाम है आपका? हाँ आदर्श। तो चलिए जाते हैं, है ना, फिर मिलेंगे कभी इसी तरह घूमते फिरते। चलो तो दोस्तों एक ब्रेक लेने वाले हैं यहाँ पे। वो भाई से मैंने पूछ लिया है, हम लोग यहाँ पर 1 घंटा थोड़ा सा कमर सीधी करेंगे। एक्चुअली एक्साइटमेंट के चलते कल मुझे नींद नहीं आई तो यहाँ पर अब मैं एक पावर नैप लेने वाला हूँ। 2000 years later। और ये देख रहे होंगे आप कि हमारे जो है जस्सी सर यहाँ सोए हुए हैं और अब हम जगाएंगे इनको। सर उठो, ये देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा हो गया कुछ ज़्यादा हो गया
उजाला हो गया अंधेरे में सुना था। कितनी देर हो गई? करीबन अभी अपने को हो चुका है एक घंटा हो गया है। एक घंटा हो गया, पावने नहीं होती है। चले भाई चलो। गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बाइकर जस्टिस सर। और ये एक और सुबह, एक और सुहानी सुबह हमारी इस राइड की, हमारी इस पहली इंटरनेशनल राइड की। घर से निकलने के बाद सनराइज़ हो चुका है, बहुत शानदार सुहाना सा। एक घंटे की पावर नैप ले चुका हूँ मैं, एक चाय पी चुका हूँ और एक चाय और पीऊँगा अभी। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे अपनी मंजिल की ओर। देखिए मेरी एक घंटे की पावर नैप मुझे कितने घंटे का बैकअप देती है। आई होप एक अच्छी खासी जंप हम लोग अब लेने वाले हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि रूम लेकर प्रॉपर रेस्ट नहीं कर सकते, कर सकते हैं, पर हमारा टारगेट था कि हम लोग प्रॉपर हाल्ट नहीं करेंगे। हमने जो टारगेट बनाया हम उसे अचीव करेंगे। तो चलिए, हमारी मंजिल हमें बुला रही है और ये दोनों भी। चलिए एक चाय और पीते हैं और रेडी होकर निकलते हैं यहाँ से, लेट्स गो। चलो तो दोस्तों, एक बार फिर एक और दिन, मतलब कल तो खैर दिन की शुरुआत राइड से नहीं हुई थी, कल तो बहुत सारी भागम भाग दिन भर रही। और अभी भी हम अपनी मंजिल से हटा रहा हूँ, करीब 550 किलोमीटर दूर है, मतलब 550 किलोमीटर। तो दोस्तों, यहाँ से हमारा नेशनल हाईवे नंबर 3 का सफर खत्म होता है और अब हम लोग झांसी हाईवे की तरफ मुड़ जाएंगे। कुछ दिक्कत हुई है अनिरुद्ध की बाइक में, अभी तक तो बहुत बढ़िया चल रही थी, समझना पड़ेगा। चलिए समझते हैं, फिर आपको भी बताते हैं क्या हो रहा है। स्मेल तो आ रही है यार, स्टार्ट हो रही ना गाड़ी, न्यूट्रल है, न्यूट्रल कर, नहीं हीट तो नहीं है, हीट का सामने नहीं आ रहा। उतर गए, ये एक फंसा हुआ, ठीक है हट तो मेरे को कुछ समझ नहीं दे।